हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेट से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले सेट के ऊपर दो वीडियो आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने 25 है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 26, ऐसे सी के दे रखे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन 9 है, ऐसे ए और बी में कॉमन दे रखा है, बी और सी में कॉमन दे रखा है, और तीनों में भी कॉमन दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में और इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल थे मेरे पास, ए और बी, इसमें तीन आ गए, ए बी और सी। जब मेरे पास तीन वेरिएबल आ जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे उसमें दो वेरिएबल थे, उसमें दो टाइप के गेम्स थे, क्रिकेट था, हॉकी था, इसमें मान लो तीन टाइप के गेम्स आ गए, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। ठीक है, तीन वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है मैं साइड में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी का, ये यूनियन है, ठीक है दोस्तों, यूनियन सी का फार्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे माइनस के बी इंटरसेक्शन सी माइनस के ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है दोस्तों, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को देखोगे आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार तो तीनों को इंडिविजुअली जोड़ दो, ए बी सी को जोड़ दो, ठीक है, एक बार दोनों दो दो की माइनस कर दो, जैसे इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, इनको माइनस करना और प्लस में जो तीनों में कॉमन है वो जोड़ दो। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे फार्मूले में चार चीज़ें हैं, तीन चीज़ें दी जाती हैं, एक चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे इस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चीज़ें फार्मूले में, सात चीज़ें दी होगी, आठवीं चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे इसमें ये चीज़ पूछी गई है, यानी कि ये चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ पूछी है उसको ऐसे रखो और सब वैल्यू पुट कर दो। करते हैं, एन ऑफ ए कितना है 25, एन ऑफ बी कितना है 26 प्लस एन ऑफ सी कितना है 26, उसके बाद माइनस के ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11, हाँ जी बी इंटरसेक्शन कितना है 8, माइनस के ए इंटरसेक्शन सी कितना है 9 और प्लस में तीनों कॉमन 3। इसको सॉल्व कर लो, जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ये इक्वल टू है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आएगा, 26 दूना 52, 5 और 2 6 6 12 12 12 और 5 17, 1 2 2 4 और 1 4 2 6 और 1 7 77 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसमें 3 भी ऐड करना है, तो ये क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, उसे माइनस क्या करना है, हाँ जी 11 और 9 20 और 8 28 माइनस करना है, कर दो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से 2 गया 52 5। ठीक है दोस्तों, तो 52 क्या ए, तो मेरा ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इस तरह से आप जहाँ तीन वेरिएबल दिए होंगे इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन था, और ये मैंने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया था ये यूनियन कैसे निकालते हैं फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, और मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फाइंड ए ओनली बी ओनली सी ओनली। जब पिछली वीडियो में जब दो वेरिएबल थे वहाँ पे ए ओनली और बी ओनली निकालने का फार्मूला बड़ा आसान था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तीन वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल में जहाँ ए ओनली बी ओनली सी ओनली निकालना, उसको वेन डायग्राम की हेल्प से निकालते हैं। आइए देखते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करते हैं। हाँ जी, मेरे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी। ठीक है, आपको करना क्या है, तीन सर्कल बना लो एक दूसरे को काटते हुए, जिसमें एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए करते हैं, करना क्या है, सबसे पहले सबसे कॉमन पोर्शन को, जो तीनों में कॉमन हो उसको फिलअप करते जाना है। ठीक है, अब सबसे तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, अगर आप देखो ये पोर्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, रीजनिंग में आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो तो ये वाला पोर्शन। ठीक है दोस्तों, और ए बी सी तीनों का कॉमन कितने हैं, तीन एलिमेंट है, तो तीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक पोर्शन को फिलअप करते हैं, उसके बाद इस पोर्शन को देखते हैं, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का कॉमन है। ठीक है दोस्तों, ये सारा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये सारा जो ऐसे बन रहा है, ये पोर्शन सारा क्या है, ए और बी का क्या है, कॉमन है। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, यहाँ पे देखें अगर 11 है, ये वाला सारा पोर्शन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तीन एलिमेंट तो मैं पहले लिख चुका हूँ इसमें, तो 11 में से तीन के कितने रहेंगे, 8, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 8। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए और बी में कॉमन देखूँ तो 8 और 3 11, टोटल 11 है ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बी और सी, ये सी है ना, ये सी, बी और सी में दोनों में कॉमन कितने हैं, बी और सी में देखो कॉमन कितने, 8 है बी और सी, ये तीन तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो 8 में से 3 गए 5, यहाँ आ गए, तो एक दो बार देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद ए और सी में देखते हैं, ए और सी में कॉमन कितने हैं, 9 है, यानी कि ये सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन क्या, 9 है, जिसमें से तीन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 9 में से 3 गए 6। अब देखते हैं जो ये ए सर्कल है, ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने, 25, और मैं कितने लिख चुका हूँ, 8 और 3 11, 11 और 6 कितने होते हैं, 17 तो आ चुके हैं, कितने आ गए, 25 थे टोटल, 17 में से 25 के कितने, 8 एलिमेंट रह चुके हैं। ठीक है, इनको टोटल को सम करके देखो आप, 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद बी देखते हैं, ये सारा सर्कल बी है ठीक है दोस्तों, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने, 26 हैं। ठीक है, कितने लिख चुका हूँ, 5 और 3 8 8 और 8 16, ठीक है दोस्तों, 16 लिख चुका हूँ, और 26 में से कितने आ गए, 10 रह गए। उसके बाद सी की बारी आती है, सी में कितने, 6 और 3 9 9 और 5 14, टोटल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 26, जिसमें 14 मैं लिख चुका हूँ, और कितने आ गए, 12। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसे मैं पूछूँ ए ओनली कितने, जो ये रह गया ए ओनली कितने, 8। अगर मैं आपसे पूछूँ बी ओनली, वो कितना आ जाएगा, 10। सी ओनली कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप इस सर्कल के सारे ये जो डिजिट है इनको जोड़ करके देखो, इनका नंबर का सम करके देखो, ये सारी यूनियन के बराबर आएगा, 52 के बराबर आएगा, करके देख लेते हैं। हाँ जी, 10 और 5 15 15 और 10 25 और 2 27 27 और 3 30, ठीक है दोस्तों, 30 और 6 36, ठीक है दोस्तों, 36 36 और 8 कितने होते हैं, 44 44 और 8 52, 52। तो इस तरह से आप तीन वेरिएबल, जहाँ पे तीन वेरिएबल गिवन होंगे, वहाँ पे हम ए ओनली, बी ओनली और सी ओनली वाले क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, वो वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सबसे छोटी वैल्यू जो तीनों में कॉमन है वहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, उसके बाद दोनों में कॉमन, उसके बाद सिंगल कॉमन, और आपका क्वेश्चन ईजिली होता जाएगा। एक दो बार आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।